हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, आपको पता ही है, लॉकडाउन में एक डिसीजन लिया गया था थिएटर्स में जो मूवी आएगी उसको रिलीज को लेके। जी हाँ दोस्तों, और वो था थिएटर्स प्लस OTT प्लेटफॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये प्लान बनाया गया था कि जब थिएटर्स में रिलीज होगी मूवी तो आपको एक महीने के बाद, मतलब कि 4 वीक्स के बाद आपको उस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और ऐसा होता भी था। सारी फिल्में देखो आप, जितनी भी फिल्में देखो अभी लॉकडाउन के बाद, थिएटर्स खुलने के बाद जितनी भी फिल्में आई है बॉक्स ऑफिस पे, 4 वीक्स में वो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। चाहे वो पृथ्वीराज हो, सूर्यवंशी हो, या रनवे 34 हो, या हीरोपंती 2 हो। तो दोस्तों, 1 अगस्त से एक नया नियम लागू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब 4 वीक्स में नहीं आएगा, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र, मतलब कि 1 अगस्त के बाद जितनी फिल्में आएगी ना, सारी फिल्में अब 8 वीक्स के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है यार, जब कोई अच्छी फिल्म होती है तो थिएटर्स में करीब अच्छे दिन तक टिकी रहती है वो, कहीं ना कहीं। अभी भूल भुलैया 2 रिलीज हुई थी तो वो भी अभी तक ही थिएटर्स में चल रही है, काफ़ी दिन हो गए रिलीज होकर। अभी भी जाकर देखो थिएटर्स में, वो लगी है मूवी, अब पब्लिक अभी भी देख रही है। लेकिन जब एक महीने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी देख लेते हैं, बता रहे यार अब तो मैं देख लिया फैमिली के साथ घर पे बैठ के, तो क्या थिएटर्स जाऊँ, तो ऐसा हो जाता। तो अभी ये जो डिसीजन है 8 वीक्स वाला, गुड डिसीजन है दोस्तों। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यार, सुपर, बहुत मज़ा आएगा अब थिएटर्स में, मूवी को कमाने का मौका मिलेगा अच्छी खासी। तो बस भाई इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।